पाँच दिन के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस दिन खरीदा गया सामान कभी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। लेकिन आज के दिन हमें ये जानना जरूरी है कि किस चीज की खरीदारी हम करें और किसकी नहीं। धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उस समय उनके हाथ में अमृत कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी जेब इसकी अनुमति दे। आप सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। आज के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का महत्व है। भगवान कुबेर को चांदी अति प्रिय है, ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। दीपावली के मौके पर त्योहारों की शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, इसलिए इस पर्व के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा और महत्व है। इन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, जिनकी चार भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, चलुका, औषध और अमृत कलश है। मान्यता है कि उद्भव के समय भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी प्रकार की धातुओं का इस दिन महत्व है, लेकिन पीतल धातु को इस दिन खरीदना श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु अच्छा फल देने के अलावा लंबे समय तक चलती है। पीतल के अलावा सोना, चांदी, स्टील, तांबा आदि भी आप खरीद सकते हैं।